चाणक्य जी के अनुसार अगर किसी स्त्री में ये 5 गुण होते हैं तो होती है बहुत ज़्यादा भाग्यशाली और बहुत अच्छी पत्नी साबित होती है अगर आप उसे शादी कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई स्त्री ऐसी दिखती है, अगर आप जिस लड़की से शादी करने वाले हैं वो इस पैमाने पे उतरती है तो आप उससे शादी कर सकते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा खुश रखेगी। किसी को हम जज नहीं कर रहे हैं, हम में भी बहुत कमियाँ हैं, सामने वाले में भी कमियाँ होती हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी एक हमारी सोच होनी चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हमें चाहिए, ना कि सिर्फ ब्यूटी, ना ही कि सिर्फ पैसा, ना ही सिर्फ दहेज, ठीक है। ये सब फालतू बातें होती हैं, जो गुण चाहिए उसके बारे में बात करता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहली चीज़ चाणक्य जी कहते हैं कि लड़की या जो स्त्री है जिससे आप शादी करने वाले हैं उसमें धैर्य होना चाहिए, उसमें पेशेंस होनी चाहिए। अगर लड़की में पेशेंस नहीं होगा तो बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाएगा आपके लिए। सपोज करिए आप किसी लड़की से शादी करते हैं, वो लड़की आपको देखती है और देखती है कि बहुत पैसा है आपके पास, आपसे शादी कर लेती है। पैसा आज है कल नहीं होगा, हो सकता है 2 साल बाद भगवान न करे पैसा ना रहे, अगर उसके अंदर पेशेंस नहीं रहेगा तो आपको खा जाएगी। तुम कमाते नहीं हो, तुम कुछ करते ही नहीं हो, तुम तो ऐसे हो, तुम तो वैसे हो। याद रखना, हमेशा वो लड़की से शादी करना जो कि आपके गरीबी में भी आपका साथ दे सके, ठीक है। वो लड़की ही डिजर्व करती है आपके साथ फिर गाड़ी में बैठ के चलने के लिए, ठीक है। तो लड़की में धैर्य होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए। और एक और चीज़ कहना चाहते हैं कि हर बात में तू मैं ना करे। देखो, अगर धैर्य होगा, पेशेंस होगा, आपकी बात को ध्यान से सुनेगी, समझेगी। क्योंकि लड़कियों में, हम लड़कों के द्वारा यही शिकायत होती है, मेरा कोई ओपिनियन नहीं है, ना ही मैं बोलूंगा क्योंकि मैं फंसना नहीं चाहता ना, एनीवे। तो लड़कों लोग कहते हैं कि लड़कियों में एक प्रॉब्लम होती है कि ध्यान से बातों को सुनती नहीं है, बोलो को समझती कुछ है, कहती कुछ है, लगाती दिमाग कुछ है, तो उनका इधर का अंड का बंडी चलता है सब कुछ, ठीक है। तो अगर लड़की में धैर्य होगा तो बात को अच्छे से सुनेगी, गुस्सा कम करेगी। सेकेंड पॉइंट ध्यान से सुनना, अगर लड़की की इच्छाएं सीमित हो तो आप उससे जो शादी कर लेनी चाहिए। इच्छा सीमित होने से मतलब है कि उसकी जो इच्छा वो नहीं है कि उसकी कोई ड्रीम्स ही नहीं है, उसका कोई गोल ही नहीं है, ऐसा मतलब नहीं था चाणक्य जी का मतलब था कि जो स्त्री होती है ना उनकी इच्छाएं हर वे में बहुत ज़्यादा होती है। सेक्सुअल इच्छा होती है उनकी, उनकी मैटेरियलिस्टिक इच्छा होती है कि बहुत पैसा चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। देखो, एक होता है कि अगर लड़की का व्यू अच्छा है कि मुझे पैसा चाहिए तो उसके लिए काम कर रही है, आपको प्रोत्साहित कर रही है और आगे बढ़ रही है। और एक होता है, एक लड़की होती है, एक स्त्री होती है, पैसा चाहिए, पैसा लेकर आओ, कैसे भी लेकर आओ, नंबर 2 का काम करो, पैसा लेकर आओ, पड़ोसन के पास पैसा है, मेरे बहन के पैसा है, मेरे उसके पास पैसा है, तुम्हारे पास पैसा क्यों नहीं, कुछ भी करो लेकर आओ। याद रखना, किसी एक आदमी के बिगड़ने और बनने में बहुत हद तक उसका हाथ होता है, किसका, उसकी पत्नी का हाथ होता है। तो ऐसी पत्नी लेकर आना जो कि आपको अच्छे तरीके से आगे मार्गदर्शन दे, ना कि कुछ भी करो, बस पैसा 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 पैसा, ठीक है। और एक और कि उसकी सेक्सुअल फैंटेसी इतनी ज़्यादा ना हो कि आप कभी उसको शांत कर ही ना पाओ, संतोष उसको मिल ही ना पाए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ हो जाएगी। और जिनकी शादी हो चुकी है वही इस बात को समझ सकते हैं, और जिनकी शादी नहीं हुई वो बस अपने ख्यालों में डूबे हुए हैं कि वो क्या ही हैं, वो तो मर्द हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन आप कुछ भी नहीं हो। तो याद रखना, स्त्री ऐसे लेकर आना जो कि संतोष हो जाए, आपसे संतुष्ट हो जाए, ऐसा ना। नेक्स्ट, जो पत्नी या जो कि स्त्री बहुत ही प्यार से बात करती हो उससे ही शादी करनी चाहिए। मैंने जैसा आपको बताया कि अगर लड़की बहुत ही प्यार से आपसे बात करेगी तो अगर आपको गुस्सा आ भी रहा होगा तो भी शांत हो जाएगा। अगर आप ऑफिस गए हो, आप बहुत ज़्यादा थक गए हो, घर पर आते हो और बोलते हो कि कैसी हैं आप या क्या कर रही हैं, तो पहली बात तो लड़की ऐसी होनी चाहिए जिससे आप ऐसे बोल सको। अगर वो आते ही आ गए, इतना लेट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, परेशान हो जाओगे आप, मन नहीं लगा पाओगे, है ना, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती है। तो ऐसी पत्नी लेकर आना जो कि आपसे प्यार से बात करे, गुस्सा आए भी तो बहुत आराम से आपको झेले। माइंड यू कि ये सारी हम लड़कियों के बारे में बात करें इसलिए मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, अदरवाइज ये सारी चीज़ें हम में भी होनी चाहिए, ठीक है, और लड़कों में तो ज़्यादा होनी चाहिए। बट देन अगर हम स्त्रियों की बात करें तो उस पर फोकस करते हैं, है ना, लेट्स नॉट गेट इन टू फेमिनिज्म एंड ऑल, है ना। नेक्स्ट, चाणक्य जी कहते हैं कि जो लड़की है वो धार्मिक होनी चाहिए। धार्मिक से मतलब ये नहीं कि भगवान में लगी जाए, भगवान 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 भगवान। देखो, धार्मिक से मतलब होता है कि आप एक पावर को मानने वाले होने चाहिए, आपको सही और गलत की पहचान होनी चाहिए, आपको किसी का डर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी गलत काम करो, आपको पता होना चाहिए कि यार कि ऊपर वाला है, वो चाहे भगवान है चाहे वो कोई भी है, कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि मेरे को देख रही है और मुझे फॉलो करने हैं रूल्स को, मेरे को कुछ गलत काम नहीं करना है, मुझे लोगों की भलाई करनी है, मुझे, मतलब समझ रहे हो ना, एक सोच होती है, एक धार्मिक विचार होता है कि नहीं यार मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं। ऐसी लड़की ना जो कि कुछ भी करने के लिए, मतलब होता है ना कुछ उतारू हो जाए तो बस कर ही दे, उसको फ़र्क ही ना पड़ता हो क्या भगवान, क्या धर्म और क्या नीति और क्या ये क्या वो, अरे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी गलत काम कर लो, तो ऐसी वाइफ आपकी नहीं होनी चाहिए। और लास्ट
में एक चीज़ कि अगर लड़की को कम गुस्सा आता है तो उससे आपको तुरंत शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि अगर लड़की को गुस्सा आता है ना, जो कि अक्सर आता है, तो आप बहुत मुश्किलों में पड़ जाएंगे। क्योंकि लड़की को आएगा गुस्सा, वो बार बार आपको छेड़ेगी, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, आप फिर उसको बोलेंगे, लड़ाई झगड़ा होगा, और वहाँ पर अच्छे खासे रिलेशनशिप की, अच्छे खासे शादीशुदा ज़िंदगी की बहुत बुरी हालत हो जाती है। तो आपको इसका ध्यान रखना चाहिए, है ना। तो वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें से आप किन किन चीज़ों पर अग्री करते हैं और किन किन चीज़ों पर आप अग्री नहीं करते हैं। आपको क्या लगता है कि इसके अलावा कौन सी चीज़ें पत्नी में या किसी स्त्री में होनी चाहिए शादी करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।